हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। खैर, आज के वीडियो में क्या होने वाला है खास, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनसुख सिक्योरिटीज के बारे में। ये देखो, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप देखो तो ये NSE और BSE दोनों में ही काम करती है, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर इनका प्रेजेंस है। और ये कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, या आपके करेंसीज में भी ट्रेड करते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं बात, मैं अब आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जॉब के बारे में आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये कोई भी सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब नहीं है, ये आपको एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है। और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को सीख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी आप यहाँ जाके सीख सकते हो। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्वेश्चन पूछे गए और टेस्ट में क्या क्या लिया गया, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो देखो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो, अगर मैं सैलरी की बात, अगर आप पहले ही जानना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे जो सैलरी है वो अगर आप फ्रेशर हो तो 2 लाख से 3 लाख का सैलरी पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो। और यहाँ पर अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो कोलकाता लोकेशन के लिए, इसके अलावा अहमदाबाद और मुंबई लोकेशन के लिए भी ये हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऑफिसेज उन लोकेशंस पर भी है। मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगा वो कोलकाता लोकेशन की है, जहाँ पर मैं खुद इंटरव्यू देने गया था आज से कुछ साल पहले, और क्या हुआ था वो मैं आपको सारा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों ये बात आपको बताना चाहूंगा, अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको बॉन्ड साइन करना होगा 18 मंथ्स का, मतलब 1.5 साल आप कंपनी के साथ जुड़े रहोगे, कंपनी छोड़ नहीं सकते। अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी, जितना सैलरी आपने उठाया उतना कंपनी को आपको रिमबर्स करना होगा, पे करना होगा, उसके बाद ही आप कंपनी छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ जाओगे। तो देखो, अगर आप बॉन्ड साइन करने के लिए कंफर्टेबल हो तभी यहाँ पे अप्लाई करना। इसके अलावा अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अगर वहाँ पे HR, अगर उनको इंटर्न की जरूरत होगी तो वहाँ पे आपको रख सकते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कैसा रहा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। देखो, ऐसे इंटरव्यू मैंने वहाँ पे दिया था तब अराउंड 2017 या 2018 का टाइम था, मोर स्पेसिफिकली बोलो तो 2017 का टाइम था, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद ही मैं गया था यहाँ पे देने के लिए इंटरव्यू। तो जब मैं वहाँ गया तो इनका जो ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस तो नहीं था लेकिन अच्छा ऑफिस था, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे, सबके पास दो दो कंप्यूटर, दो दो स्क्रीन थे। एक स्क्रीन में आपको दिख रहा था स्टॉक्स के ऊपर नीचे जा रहे, रेड और ग्रीन सारा आपको इधर दिख रहा था, दूसरे में न्यूज वगैरह चल रही थी और काफी कुछ खुला हुआ था। जब मैं गया था तब काफी स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद जैसे, तो उसके बाद मैं गया था तो वहां पर थोड़ा सा, वहां पे सब स्लो था, पर जब मैं गया तब देखा कि काफी सारे लोग जैसे कॉल पे ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हैं, तो ऐसा चल रहा था काम। इसके अलावा दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो पहले मुझसे टेस्ट लिया गया, उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए एक पेपर दिया जो कि मैंने जैसे तैसे किया था। सच बोलूं तो मुझे कुछ भी खास समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, मुझे स्टॉक मार्केट की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने जैसे ही वो इंटरव्यू दिया था तो जैसे तैसे मैंने लिखा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे साथ एक और भी लड़का इंटरव्यू देने आया था जो सेंट जेवियर्स कोलकाता, जो कि कोलकाता का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, कॉमर्स का अगर आप कहो तो बहुत ही ज्यादा एक नामी कॉलेज में आता है इंडिया में। तो वहाँ के भी एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने भी मेरे ही साथ वहाँ पर टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद मेरा टेस्ट तो कुछ अच्छा गया नहीं था। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट स्टॉक क्या है, या फिर आप क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट से आप क्या समझते हो, और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करते तो अगर आप स्टॉक्स भी ट्रैक करते हो तो आपको कौन सा स्टॉक सबसे सही लगता है, और आज के डेट पे मार्केट किस लेवल पे फ्लोट करता है, और आपको क्या मानना है, आप क्या समझते हो कि ये मार्केट सही ट्रेंड पे जा रहा है या क्या नहीं, वो मुझसे उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे थे। तो मैं इंटरव्यू भी एकदम बेकार तरीके से दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी और मुझे जानकारी भी नहीं थी। और वहां पर जो उन्होंने मुझे सैलरी ऑफर कर रहे थे, जैसा मैं देख के गया था तब 15,000 ऑफर कर रहे थे, वहां जाने के बाद मेरा इंटरव्यू वगैरह देखने 16,000 के करीब वो ऑफर कर रहे थे। मेरे जाने के बाद अराउंड उन्होंने मुझे 13 या 14,000 कहा होगा उस टाइम पे, जो कि उसके बाद, और उसके बाद उनका कहना था कि आपको बॉन्ड भी साइन करना होगा। तो मैं बॉन्ड साइन करने के लिए कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने वहां ज्वाइन नहीं की, बट
बट मैं अभी अगर आज के डेट में उनसे पूछो तो मुझे लगता है कि मैंने वो गलत डिसीजन लिया था, उसके लिए मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। अगर वहां पर मैंने सही डिसीजन लिया होता तो मैं स्टॉक मार्केट की बहुत ही ज्यादा बारीकियां वहां सीख सकता था। कभी कभी मैं पैसों को साइड में रखकर कभी स्किल्स को अक्वायर करने के लिए, क्योंकि वो एक नया स्किल सीखने के लिए आपको पे कर रहे हैं। ये जरा आप सोच के देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर हो तो, और अगर आपने एमबीए किया या फिर बीकॉम किया, कोई भी अगर फाइनेंस की डिग्री आपके पास है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका हो सकता है जहाँ पे आप नई स्किल को सीख सकते हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। जरा सोचो, और ये बॉन्ड का रीजन भी मैं आपको बता दूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो 1.5 साल का वो बॉन्ड ले रहे हैं, इसके पीछे एक साफ साफ एक रीजन है, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से इस पर ट्रेन करेंगे। उसके बाद अगर आप छोड़ देते हो बीच में कंपनी का ये जॉब, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो आपको ट्रेन करेंगे 3 महीने, तो आपको अच्छे से सारी चीजें बेसिक सीखने में लग जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी को आप कुछ वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे ही वो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप कमोडिटीज में जैसे गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, पेट्रोलियम, ये सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो सारी की जानकारी आपको मिलेगी। आप स्टॉक्स पर रिसर्च कर सकते हो, आपको काफी चीजों पर इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, जो आपको बड़े बड़े अगर आप कोर्सेज भी करते हो, 1-1.5 लाख रुपया फूक देते हो, तभी आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा। और कितने सारे एमबीए कॉलेजेस में तो इतना डेप्थ में पढ़ाया भी नहीं जाएगा, टॉप कॉलेजेस की अगर बात छोड़ दी जाए तो। दोस्तों आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की इच्छा है तो आप यहाँ पर पहले जॉब करके देखो, क्योंकि आप सीखोगे भी, अर्न भी करोगे और फिर उसको इन्वेस्ट भी कर पाओगे। चलो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और यार बताना चाहूंगा हमारे चैनल पर आपको इसी तरह जॉब्स और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के ही वीडियोस मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।